पोहरी में 15 फरवरी को होने वाली विकास यात्रा को लेकर एसडीएम ने ली बैठक। शासन की योजनाओं की देंगे जानकारी। प्रदेश भर में सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण जनहितेशी योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं उनकी जानकारी घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकास यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर पोहरी एसडीएम राजन बी नाडिया ने एसडीएम कार्यालय में बैठक का आयोजन किया। बैठक में भाजपा मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमिनी, तहसीलदार प्रेमलता पाल सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बैठक में एसडीएम नाडिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप 1 फरवरी से 15 फरवरी तक गांव-गांव विकास यात्रा निकाली जाएगी, जिसके तहत लोगों की जनसमस्या सुनी जाएंगी, वहीं जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस यात्रा में अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ जन प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे। एक फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक के बीच में विकास यात्रा निकाली जानी है, उसके अंदर जन प्रतिनिधि भी रहेंगे, हमारे शासकीय अधिकारी कर्मचारी भी रहेंगे। तो पर्टिकुलर किसी गांव से जो धार्मिक स्थान है, जो अच्छा स्थान है, वहाँ से लेकर गाँव जाएगी यात्रा। वहाँ पर जो किसान है, जो आम जनता है, उसकी शिकायतों को सुना जाएगा, देखा जाएगा कि जमुनी सर पर उन लोगों को शासन की योजना का लाभ मिला या नहीं मिला है। अगर नहीं मिल पाया तो उनके आवेदन लिए जाएंगे, आवेदन लेने उनका निराकरण किया जाएगा। तो इस प्रकार एक शासन का एक समग्र विकास की ओर अभियान चलाया जाता है, इसमें जनता भी जुड़ेगी, जनप्रतिनिधि भी जुड़ेंगे, अधिकारी कर्मचारी भी जुड़ेंगे। मंगलम सिल्क साड़ी एक प्राचीनतम साड़ी प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ उपलब्ध सभी प्रकार के लहंगा, ओढ़नी, बनारसी सिल्क साड़ी की बेहतरीन रेंज एवं डिजाइनर साड़ियाँ, आपकी वैवाहिक तैयारियों की संपूर्ण साड़ी रेंज। तो आज ही आइए मंगलम सिल्क साड़ी, पूजा मार्केट, तिलक द्वार, मथुरा।